नमस्कार दोस्तों, एम फिलिश टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से न्यूज आ रहा है कि सेवेंथ पे कमीशन, मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल इन लोकसभा टू डबल जजेस सैलरी। ये आप देख सकते हैं कि सेवेंथ पे कमीशन, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए बिल इन पार्लियामेंट दैट सीक टू हाइक द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 24 हाई कोर्ट by two folds, and Law Minister Ravi Shankar Prasad introduced the bill in Lok Sabha on Thursday. The High Court and Supreme Court judges, ये देखिए जो बोला जा रहा है कि salaries and condition of service 2017, ये amendment bill जो 2017 का, ये provides for increases salary as recommended by the Seventh Pay Commission. It would take an effect from January 1st 2016. The revised house rent allowance will be effective from July 1st 2017, and the rates of sanctuary allowance from September 22nd or then CJITS Thakur had written to government in 2016 seeking a hike in the salary of Supreme Court and High Court judges, according to report. Once the bill is cleared by parliament and become a law, the Chief Justice of India will get a monthly salary 2.80 lakh from the present rupees 1 lakh. Similarly, judges of the Supreme Court and Chief Justice of the High Court will draw a monthly salary 2.5 lakh from the current 90,000. Or the judges of High Court who get the 18,000 per month now will get 2.25 lakh per month, the bill status. The High Court and Supreme Court judges salary and condition of service amendment bill 2017 also seek to revise the rate of house rent allowance with effect from July 1st 2017 and the rates of sanctuary allowance with effect from September 22nd. In 2016, the Chief Justice of India, T.S. Thakur, had written the government seeking a hike in the salary of Supreme Court. ये बोल रहे कि वो एक ही बात बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो 31 स्ट्रेंथ अप्रूव किया गया, लेकिन अभी जो फिलहाल है 25 जजेस एंड हाई कोर्ट का जो 24 हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में जो स्ट्रेंथ है ये जजेस का, ये 1079, बट अभी 682 जजेस अभी काम कर रहे हैं। और ये देखिए, द मूव विल आल्सो बेनिफिट 2500 रिटायर्ड जजेस। वंस द हाइक इज इफेक्टेड, द सैलरी ऑफ जजेस विल बी एट फॉर विथ चार्ज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, सॉरी ब्यूरोक्रेट्स फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सेवेंथ पैनल। ये बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। और ये देखिए, अभी जो न्यूज आ रही है कि लाख ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर आर ईगरली वेटेड फॉर द न्यूज ऑन मिनिमम पे है, जो मिनिमम पे के लिए आज 1.5 साल वेटिंग किए थे आप लोग, तो ये तो नहीं हुआ, जो कुछ भी तो हाइक नहीं हुआ। तभी भी बोल रहे हैं कि नाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द इंटरिम रिपोर्ट विल बी सबमिटेड सून बिफोर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन सेम टाइम्स। नेशनली एनुअली कमिटी विल सून सबमिट इट्स इंटरिम रिपोर्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर। मतलब जैसे कि आप लोग के लिए, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये हाइक होने का चांस तो नहीं है, तभी भी ये सेम टाइम बोल रहा है कि इंटरव्यू में एक रिपोर्ट गया है, ये कितना सोच है हम लोग बाद में जाके पता करेंगे। और ये देखिए, जो सब अर्लियर इन द मंथ ऑफ जून इन द बनंजा 48 लाख हैंतन ये सब क्या सब दिया है, सब बेकार का है। और ये सब पेपर वाले खाली छाप देते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। आज 1.5 साल हो गया हम लोग, कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।